हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज मैं आपको साबूदाने की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं ये जो खिचड़ी बना रही हूँ ये व्रत के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी लेके आऊँ। अब हम वही बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी डाला है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ये जीरा ऐड कर देंगे। देखिए, ये हमारा जीरा भुन गया है। अब मैंने ये एक मीडियम साइज का आलू जो है ये बारीक काटा है, ये मैंने इसके अंदर मीडियम साइज का आलू डाला है। ये मैंने कच्चा ही लिया है, आप चाहें तो आप इसमें बॉइल्ड पोटैटो भी ले सकते हैं। ये मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, ये मैं इसमें कच्चे ले रही हूँ, आप चाहें तो इसे रोस्टेड भी ले सकते हैं। इनको मैंने बारीक क्रश कर लिया है। अब हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकाया है। इससे हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो भी थोड़े अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने कच्ची ली थी मूंगफलियाँ। और ये देखिए, ये आलू भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ये टमाटर भी ऐड कर देंगे। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं व्रत में तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं ये ग्रीन चिल्ली भी इसमें ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट जो है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ब्लैक पेपर, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मैंने साबूदाना जो है ये 7 से 8 घंटे इसको सोक करके रखा था, पानी के अंदर भिगो के रखा था। फिर मैंने इसको छन्नी में अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, और स्ट्रेन करने के बाद भी आपको आधा घंटा ऐसे ही रखना है ताकि हमारा साबूदाना एकदम खिला खिला बने, जो साबूदाने की खिचड़ी है वो एकदम खिली खिली बने। अब हम इसमें ये साबूदाना ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें साबूदाना भी मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब हम इसको ढक के थोड़ा सा 2 से 5 मिनट इसको अच्छे से हम पका लेंगे ढक के। ये देखिए, अभी हमने ढक के पकाया था हमारे साबूदाने की खिचड़ी को। अब हमारी खिचड़ी अच्छे से बन गई है। जैसे ही आपकी ये साबूदाना वाइट से एकदम ट्रांसपेरेंट पे आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि खिचड़ी हमारी अच्छे से बन गई है। इसको बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब हम गैस ऑफ कर रहे हैं। अब मैंने ये हरा धनिया जो है ये फाइनली चॉप करके रखा था, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई, मैंने सर्व कर ली है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको खट्टा पसंद है तो। नहीं तो इसमें लेमन जूस ऑप्शनल है, वो अपनी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं ऊपर से। हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। देखिए, ये खिचड़ी कितनी एकदम खिली खिली बनी है। साबूदाना एकदम अलग अलग है हमारा, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। आपको ये खिचड़ी देखने में भी बड़ी अच्छी और टेस्टी लग रही होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे जल्दी एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।